हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम जाएंगे एक नई वर्ल्ड में, जो कि है दोस्तों नेदर। तो दोस्तों, नेदर जाने से पहले ना, मैं अपने वेस्ट वगैरह हो गया, टूल हो गया, उन सबको ना अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों नेदर एक नई वर्ल्ड है हमारे लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मॉब हो सकते हैं। पता नहीं भाई कैसे कैसे मॉब होंगे। इसके लिए दोस्तों हमें अपनी वेस्ट वगैरह सब कुछ अपग्रेड करके जाना पड़ेगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारी पिछले एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा हम दो विलेजर लाए थे जो दूसरे आइलैंड से लेकर आए थे हम दोस्तों। अभी वो दो से हो चुके होंगे अंदर, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ना उनका वर्किंग टेबल लेकर आता हूँ ऊपर से। तो दोस्तों फिलहाल मैं ऊपर आ चुका हूँ, एक बार मैं अंदर चलता हूँ उनके वर्किंग टेबल। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कौन मतलब कितने वर्किंग टेबल होते हैं। चलो तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये कैट की आवाज़ आप सुन सकते हो, ऊपर वो दो बैठे हुए हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे ये हो गया कंपोस्टर, ये हो गया स्मोकर दोस्तों, ये हो गया लेक्टिन, ये ब्लास्ट फर्नेस, ये हो गया कैटोग्राफी टेबल, ये बैरल और ये फिक्टिंग टेबल, ये होगा स्मूथ कटर, ये हो गया लोम, ये स्मिथिंग टेबल, ग्राइंड स्टोन, चलो ये होगा कोल्ड्रोन। तो दोस्तों ये कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आइटम होता है, जो कि एक हमारे पास नहीं है फिलहाल, और उसको हम क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट भी नहीं कर सकते दोस्तों। बाकी दोस्तों मुझे और क्या चाहिए, थोड़ी बहुत खाना में यहाँ से है शायद मेरे पास, चलो ये यहाँ पर है। चलो मैं फिलहाल ना यहाँ से ले लेता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए ना उनसे ले लेता हूँ। ये देखो दोस्तों मैं कितना सारा, अभी मैं ये निकालता हूँ, सबसे पहले कचरा निकालता हूँ दोस्तों यहाँ पे, और फिर यहाँ पर मैं रख देता हूँ गन पाउडर। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने ये देखो कितना सारा एमरल्ड भाई यहाँ से मैंने मतलब उनसे ट्रेडिंग करके रखा हुआ है। सोच सकते हो दोस्तों मैंने कितना सारा ट्रेडिंग किया होगा उनसे उससे। अब तो दोस्तों और ज़्यादा भी ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आगे हमें बहुत सारा एंचाइडिंग टेबल लेना है, एंचाइडिंग टेबल कर मैं एंचाइडिंग बुक लेना है। अरे एंचाइडिंग बुक से याद आया, मुझे बुक भी लेके जाना है भाई, यहाँ पर शायद होगा। चलो 17 बुक है शायद, इतना काफ़ी होगा दोस्तों। बाकी मैं एक बार नीचे चलता हूँ, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको नीचे। तो दोस्तों मैं फिलहाल नीचे आ चुका हूँ, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ ये मैंने क्या चेंजेस किया हुआ। ये जैसे देख सकते हो मैंने आयरन डोर लगाया, क्योंकि दोस्तों दो दूसरा डोर लगाया था ना वो बाहर आ जाते थे अपने आप खुल के, अब ये इससे ही खुलेगा। अब ये ना इसको खोल पाएंगे ना ही अंदर या बाहर जा पाएंगे दोस्तों, इसके लिए मुझे ये लगाना पड़ा। अगर आपको ये जानना है तो ये आपको एक फोटो दिखा दूंगा ऊपर, बाकी इसको दबाते हुए हम अंदर चलते हैं। चलो तो ये देख सकते हो दोस्तों ये कितने सारे हो गए, इनको ना मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे कैसे मतलब ब्रीड कैसे करते हैं इनको। सबसे पहले मैं, अबे साइड हो जा भाई, साइड दे दे, चल साइड हो जा, अबे ये गेट के सामने खड़ा हो गया भाई, अबे बाहर आ जा भाई, अबे ये क्या कर रहा है भाई, बाहर आ जा भाई, अबे बाहर आना, आजा आजा, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई फटाफट मैं निकलता हूँ यहाँ से ना, मुझे लेके जाना था। चलो मैं एक कैरेट ले लेता हूँ, इतना इतना बहुत होगा दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए ना इनको ना। अबे ये सो गए भाई, रात हो गया, बेड कम पड़ रहा है क्या, बेड तो है भाई फिर भी नहीं सो रहा है। चलो दोस्तों मैं भी सो जाता हूँ फिलहाल भाई, एंडर पल कैसे आया भाई अंदर। अच्छा एंडर मैंने आया होगा, इसने मार दिया भाई गोलम भाई ने, बहुत बढ़िया भाई, मैं भी सो जाता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल हमारा सुबह हो चुका है, इनको क्या है ना खिलाना नहीं पड़ता है, मतलब जैसे हम दूसरे एनिमल हो गए उनको हमें खिलाना पड़ता है ब्रीड करने के, इनको बस देना पड़ता है। जैसे मैंने शिफ्ट और क्यू दबाते हुए ना ऐसे छोड़ूंगा, ये देखना उठा लेंगे अपने आप, ये देखो एक एक करके उठा लिया ना सारे। अब दोस्तों ये ना अपने आप में ही ब्रीड करते रहेंगे, इनको बस और कुछ नहीं करना है, बस हमको इनको खाना देना है, ये अपने आप ब्रीड करते रहेंगे। ये देखो ये अपने आप में ही डिवाइड कर रहे हैं, भाई तू इतना ले ले मुझे इतना दे दे, बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले दोस्तों मैं इनको छोड़ता हूँ, शायद अभी ब्रीड करेंगे तो आपको, ये देखो ब्रीड कर रहे हैं शायद, हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों। आप दिखाता हूँ मैं अभी आपको, अभी देखना यहाँ से छोटा आगे निकलेगा, ये किसी को दे रहा है भाई, अरे मुझे क्यों दे रहा है भाई, ये उठा लो भाई, ये देखो भाई आ गया ना छोटा सा एक, ये देखो वो उठा लिया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे भाई ये ब्रीड करते रहते हैं, इसलिए देखो इतना सारा हो गया भाई, दो से भाई कितने सारे हो गए भाई। अब तो मुझे ना इनका टेबल लगाना है, जैसे यहाँ पर एक बेड भी, कुछ तो गलत हुआ है भाई, इसको मैं मुझे उठाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ। चलो दोस्तों फिलहाल मैं ऐसे रहने देता हूँ, बाकी मैं ना यहाँ पर एक लगाता हूँ ऐसे, अभी कोई ना कोई तो एक जॉब ले लेगा यहाँ पर आके। चल भाई जॉब ले ले भाई कोई, चल ये ले लिया भाई जॉब, ये हो गया फिशरमैन दोस्तों। ये एमरल्ड के बोल देना फिश देगा और बकेट ऑफ कोक देगा भाई, पता नहीं भाई इसका क्या काम है। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक स्टोन कटर, भाई कोई ले लो भाई जॉब ले लो, चलो शायद कोई ले रहा है। ये तो भाई फार्म, ये तो वही वाला था फिशरमैन, अबे जॉब ले ले भाई, वहाँ पर जाना भाई आगे, आगे की तरफ जाके जॉब ले ले भाई, काम नहीं करना है क्या।
अबे चल भाई, मैं इसको ना तोड़ता हूँ एक बार। अबे मैं तो लाया ही नहीं भाई, अबे कोई तो ले गया कुछ। चलो ये मिशन ये ले लिया ना, लेकिन इसका ड्रेस अच्छा ऐसे है क्या इसका ड्रेस? चलो दोस्तों ये क्ले के बदले दे रहा है एमरल्ड दे रहा है भाई, एमरल्ड के बदले ब्रिक दे रहा है। चलो दोस्तों इसका फिलहाल तो कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक स्मोकर, ये स्मोकर ही है ना। चलो बहुत बढ़िया, अभी चलो ये ले लिया। ये दे रहा है भाई चिकन के, रो चिकन के बदले एमरल्ड देगा, और रो पपचक के बदले ये देगा एमरल्ड। चलो बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों फिलहाल इसको बाद में देखते हैं। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर ना और ऐसे डबल डबल मैं ऐसे लगा दूंगा यहाँ पर वर्किंग टेबल, तो ये काम करते रहेंगे। बाकी दोस्तों मुझे इनसे थोड़ी बहुत ट्रेड करना है, जैसे मैं मुझे लेना था कुछ एनचेंटेड बुक जो मुझे अपग्रेड करना है हमारे बेस्ट वगैरह। सबसे पहले क्या दे रहा है भाई तू? ये एफिशिएंसी दे रहा है। चलो मैं ये इससे ना एक एफिशिएंसी बुक ले लेता हूँ फिलहाल। एफिशिएंसी भी दे रहा है भाई, सब फाइव दे रहा है बहुत ही एफिशिएंसी। और एक चाहिए शायद मुझे, तो मैं और एक भी ले लेता हूँ फिलहाल। चलो दो मेरे लिए शायद फिलहाल काफ़ी होगा। तुम क्या दे रहे हो भाई? अबे नहीं चाहिए भाई। अबे कहाँ गया भाई दूसरा? मेरा मेंडिंग चाचा कहाँ गया भाई? अबे थोड़ा साइड हो जा कॉलम भाई। चलो ये दे रहा है भाई मेंडिंग, मुझे इससे एक चाहिए, दो चाहिए, और एक तीन भी ले लेता हूँ मेंडिंग, क्योंकि मेंडिंग जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है दोस्तों इसमें। तो मेंडिंग का जो काम है ना मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगा, लेकिन बहुत अच्छा काम है दोस्तों मेंडिंग का। चलो तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। एक बार मैं यहाँ पर ना रख देता हूँ सारे के सारे पेपर, मैंने इनसे ना एक देख दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया है। एक बार रुको यहाँ पर रख देता हूँ ये सब। चलो मैं एक बार ना कैरेट भी यहीं पर रख देता हूँ फिलहाल। चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने उनसे एफिशिएंसी वाला लिया है ये बुक तीन, और ये शार्पनेस का मैंने दो लिया है, और ये मेंडिंग का तीन। अबे मेंडिंग का प्रोजेक्टल प्रोटेक्शन कैसे आ गया भाई? अबे भाई मेंडिंग का मैंने एक ही लिया है भाई। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, खाना खा ले भाई तू। बाकी मैं दोस्तों आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ मेंडिंग का क्या काम है, मतलब दिखा तो नहीं पाऊंगा, आपको बता दूंगा। बाकी मैं आगे चल के आपको दिखा दूंगा। एक बार ये भी दिखाता हूँ, ये देखो मैंने ये दोनों को ना टेम करके रखा है, ये इनको थोड़ा ब्रीड भी करा देंगे अंदर चल के। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। ये ना अपने आप ही रिस्पॉन हो जाते हैं, मतलब रिस्पॉन कह रहा हूँ मतलब टेलीपोर्ट हो जाते हैं, ये जैसे ऊपर से सीधा नीचे आ गया भाई। चलो भाई ये अंदर भी आ जाएंगे, मैं इनको थोड़ा खाना खिला देता हूँ यहाँ पर नहीं शायद। चलो मैं इनको ना थोड़ा फिश खिलाता हूँ, ये ब्रीड करेंगे फिर आगे चल के। चलो भाई ये खाना खाओ भाई, चलो ये ब्रीड करेंगे अपने आप। चलो इनको छोड़ देता हूँ मैं फिलहाल, मैं यहाँ पर रख देता हूँ खाना फिलहाल। चलो तो बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से ना अपना जो भी डायमंड का जो बना रखा था जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं हेलमेट ले लेता हूँ, चेस्ट, इसका लेगिस, बूट, और इस सारे के सारे मैं डायमंड का लेकर चलूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पता नहीं भाई क्या कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। चलो मैं ये ले लेता हूँ, इसमें मेंडिंग लगा हुआ है फिलहाल। ये सिल्क टच वाला ये भी ले लेता हूँ, एफिशिएंसी इसमें नहीं लगा हुआ है मेंडिंग, इसमें आपको मैं लगा के दिखा दूंगा दोस्तों। बाकी एक सावल इसमें लगा हुआ है मेंडिंग, इसमें नहीं लगा है। चलो मैं इसमें भी लगा के आपको दिखा दूंगा, इसमें शार्पनेस लगा है ना। चलो लूटिंग लगा हुआ है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एनबिल कैसे बनाना है मैं आपको ये भी शायद यहाँ आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एनबिल। चलो तो ये एनबिल ऐसे तीन ब्लॉक ऑफ आयरन रखना पड़ता है ऊपर, और ऐसे चार रखना पड़ता है आयरन, तो ये बन जाता है हमारा एनबिल। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों यहाँ पर ना हम जैसे एनचेंटमेंट लगा सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर जैसे लूटिंग लगा हुआ है, अनब्रेकिंग और मेंडिंग, इसमें शायद शार्पनेस लग सकता है। शार्पनेस कहाँ गया भाई? चलो ये चल बहुत बढ़िया, शार्पनेस लग रहा है भाई यहाँ पर आ जाएगा, लूटिंग, अनब्रेकिंग, शार्पनेस, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसमें चलो आई भी है ना, मैं इसको ना दोनों को एक बार मर्ज कर देता हूँ। ये शार्पनेस फाइव बन गया हमारा, इसमें लगा देता हूँ अब मैं। चलो ये बन गया हमारा शार्पनेस, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसमें जैसे मेंडिंग लगा हुआ है, इसमें मेंडिंग नहीं लगाना, मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, और ये डैमेज भी है तो मैं आपको अच्छी से तरह से दिखा पाऊंगा। चलो इसमें लग गया मेंडिंग, ये जैसे देख सकते हो एफिशिएंसी, अनब्रेकिंग, सिल्क टच और मेंडिंग, बहुत बढ़िया। इसमें भी सिल्क टच लगा हुआ है फिलहाल। मैं और कुछ यहाँ से लेता हूँ, जैसे इसमें फॉर्चून लगा है। फॉर्चून का मतलब जो चीज़ आप माइन करते हो ना बहुत डबल मिलने का चांस। ये जो ब्रीड हो गया इनका एक छोटा वाला आ गया ना, ये इनमें क्या होता है ना, मतलब ये फॉर्चून में क्या होता है, सिल्क टच में तो आपको पता होगा जैसे माइन करोगे वही चीज़ वैसे ही मिलेगा, और फॉर्चून से ये होता है कि जो जो चीज़ आप माइन करते हो जैसे डायमंड माइन करते हो तो एक से एक ही मिलता है ना, लेकिन फॉर्चून से करते हो तो शायद आपको दो तीन मिल सकता है, तो ये फायदा होता है फॉर्चून का। बाकी दोस्तों मुझे क्या क्या लगाना है, जैसे प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ये तो फालतू में आ गया भाई,
बाकी तो हम नेटर पटल के लिए तो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो। मुझे थोड़ी बहुत और खाना और कुछ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे जैसे और क्या लेना है। बेड की तो ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगा, बाकी मैं एक वर्किंग टेबल ले लेता हूँ साथ में, पता नहीं भाई कुछ काम भी आ सकता है हमारे लिए। बाकी तो मैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा थोड़ी बहुत ऑब्सीडियन, जैसे आप देख सकते हो 49 भाई, बहुत बढ़िया भाई। और मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर मुझे एक बनाना पड़ेगा फ्लिंट एंड स्टील। सबसे पहले मैं यहाँ से आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मुझे यहाँ पर एक आयरन ऐसे रखना है, एक ऐसे रखना है, ये बन जाएगा दोस्तों फ्लिंट एंड स्टील। ये दोस्तों हमें मतलब कि चार्ज करने के लिए होता है, हमारा जो पोर्टल बनाएगा ना उसको चार्ज करता है ये। मुझे और थोड़ी बहुत लेना पड़ेगा शायद कुछ, मैं डेकोरेट करने के लिए कुछ तो लूँगा, लेकिन फिलहाल मैं ऊपर चलता हूँ। चलो दोस्तों मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ। फिलहाल मुझे ना ये बेस मैंने बना रखा था पहले ही, मैं एक बार ऑब्सीडियन ले लेता हूँ हाथ में। एक बार ना मुझे ये मिडिल वाला देखना पड़ेगा, 1 2 3, चलो ये मिडिल हो गया। यहाँ पर मुझे 1 2, यहाँ पर 1 लगाता हूँ, 1 2, यहाँ पर 1। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से। ये 3 चाहिए ना मुझे, ये यहाँ पर 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 रखता हूँ। चलो ये अच्छे, मैं ये वाला तोड़ देता हूँ फिलहाल। चलो ये भाई इतना जल्दी टूट गया भाई, बहुत बढ़िया। इसमें एफिशिएंसी लगा हुआ है ना, इसलिए इतना थोड़ी जल्दी टूट रहा है। बाकी दोस्तों मुझे इसके ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे, 1 2 3 4, और मुझे इस तरफ जाना है, 1 2 3, यहाँ से नहीं लगेगा तो मैं 1 यहाँ पर लगा के नीचे कूद जाता हूँ। और मुझे यहाँ पर ऐसे लगाना है, 1 ऐसे, ये अब सही है ना। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से ये थोड़ा बड़ा बन गया, हम 2 का भी शायद बना सकते थे। मैं इसको ना थोड़ा और लंबा कर दूं क्या? अबे भाई ये कैसे आ गया भाई ऊपर, तुम भाई कैसे आ गया भाई, ये बैठा रहे भाई। अबे नीचे आ जा, चल भाई बैठ यहीं पे। चलो दोस्तों मुझे इसको ना थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं फिलहाल, 1 ब्लॉक ना और हाइट कर देता हूँ इसको, तब मुझे ये सही दिखेगा। चलो इससे मैं तोड़ता हूँ। मुझे पानी भी लेकर आना चाहिए था, अभी ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत होगा दोस्तों। मैं एक बार ऊपर चलता हूँ, थोड़ी बहुत ऊड भी ले आता हूँ, ऊड की प्लांक वगैरह, और पानी भी ले आता हूँ दोस्तों, वाटर बकेट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं फाइनली ऊपर आ चुका हूँ, फिलहाल मैं पानी बकेट का यूज़ करता हूँ, इसके ऊपर चलता हूँ। रात हो गया भाई, मुझे लगता था मुझे सो जाना चाहिए था एक बार। चलो फिलहाल मैं आ गया दोस्तों ऊपर। अबे चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ना एक ऑक्सीजन ऊपर लगाता हूँ, अब मैं इधर साइड लगा सकता हूँ ऐसे। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिलहाल मैं नीचे चलता हूँ। चलो बहुत से बढ़िया, ये देखो कितना बड़ा बन गया भाई ये। भाई मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। चलो दोस्तों मैं इसको ना थोड़ी बहुत डेकोरेट कर देता हूँ इसको साइड से ही। तो दोस्तों हमारा पोर्टल बन के रेडी हो चुका है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 पे। 1 2 3 दोस्तों, ये देखो, ये देखो भाई क्या ही लग रहा है, गजब भाई। बहुत टाइम लग गया दोस्तों, मैं इसको चेंजेस करते करते फाइनल दोस्तों मुझे ये वाला लुक अच्छा लग रहा है, मतलब फिलहाल मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब एक बार मैं इसको चार्ज करता हूँ फ्लिंट एंड स्टील, कहीं पर भी वैसे साइड में मारो ये स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ये अब कैसे दिख रहा है भाई। ओ भाई सब खतरनाक दिख रहा है भाई, ये साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये साइड से ऐसे कुछ दिख रहा है। बाकी उस साइड थोड़ा जगह कम है, लेकिन दोस्तों उस साइड वैसे हमारा कोई काम नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो क्या ही गजब लग रहा है भाई, उधर साइड से वैसे ये। तो दोस्तों अब चलते हैं एक बार पोर्टल के अंदर, मतलब हमारा जो नया वाला वायरल के अंदर चलते हैं दोस्तों। और भाई ये क्या ही नशा है भाई, आप भाई चलो भाई ये क्या है भाई, पूरा आग आग भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब चलो ये फ्लिंट स्टील से हम कहीं पर भी वैसे आग लगा सकते हैं, ये सही बात है भाई। चलो भाई अभी क्या है भाई ये। ओ भाई अरे भाई ये कौन सी जंपी है भाई, कैसे कूद रहा है देखो भाई। अबे बंद हो गया भाई इसका कूदना। चलो दोस्तों अबे ये देखो अभी कूदा था, ये क्या है भाई अंदर नीचे लाभा ही लाभा है क्या, अबे लाभा का लाभा में भी कुछ नहीं हो रहा है क्या इन जंपी को भाई साहब। भाई कतई खतरनाक जंपी है भाई ये। ओ भाई ये कौन सा जंपी है भाई, अबे भाई चारों साइड लाभा ही लाभा है भाई। चलो दोस्तों इधर साइड तो कुछ तो भाई ग्राउंड है, मतलब कि बेस्ट तो है जाने के लिए। मैं एक बार ना फ्लिंट स्टील को ऊपर कर देता हूँ ऐसे, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई ये। भाई ये तो भाई ये शॉर्ट लेकर खड़ा हुआ है भाई, ये क्या सिस्टम है भाई इसमें, जंबी को भाई शॉर्ट भी मिलता है क्या। चलो मैं यहाँ से ना थोड़ी बहुत माइन करता हूँ ये वाला स्टोन, फिर चलते हैं उधर साइड।
इसमें क्या लगा है भाई? मेंडिंग फॉर्चून लगा भाई, चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई क्या ही पावर है भाई इसमें। ये कौन सा, ये रुको दोस्तों, ये कुछ तो नया वाला उबाल लिया, उबाल कर रहा हूँ भाई, कुछ तो नया वाला मिला। कौन भाई? ओ भाई रुको रुको एक सेकंड, ये कौन सा ब्लॉक है भाई? कोई तो रो रहा है भाई पास में। अबे कौन है भाई? अबे भाई डरा रहा है भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भाई इसको ये आवाज़ सुन के। चलो तुम मुझे ना पहले मैं ये माइंड करके देता हूँ, ये वाला कौन सा ब्लॉक है भाई? नेदर कोड भाई, इसका क्या काम होता है भाई नेदर कोड से? चलो तो मैं माइंड कर लेता हूँ फिलहाल, जो भाई नया चीज़ इसमें मिलेगा ना माइंड करते हैं, क्योंकि दोस्त अबे भाई साहब अभी गिर जाता भाई नीचे अगर मैं ऐसे डायरेक्ट माइंड करता तो। मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा भाई नीचे अगर सीधा। ये देखो दोस्तों इस पर जो एचपी मिल रहा है ना, एक सेकंड दिखाता हूँ, ये जैसे मेरा डैमेज थोड़ा डैमेज है, ये देखना अभी ये अपने आप ही रिपेयर हो जाएगा। ये जैसे यहाँ से एचपी मिलता जाएगा ना, उससे अपने आप ही रिपेयर होता जाएगा। मुझे थोड़ी ऊपर जाना पड़ेगा फिलहाल। अबे कौन भाई बच्चा रो रहा है भाई पास में तो? ये भाई खतरनाक भाई, ये भाई पिकेक्स भी लेके आते हैं भाई। ओ भाई साहब मुझे उधर साइड जाना है नीचे की तरफ, उससे पहले ना उसको मैं इधर साइड मुझे जाना है एक बार। ये देख रहे हो ना बाकी ये चमक रहा है जो, ये वाला मुझे एक बार देखना है भाई। ये आ गया भाई, ज़ॉम्बी आ गया भाई, इसको तो मैं मारूंगा भाई बहुत बहुत बुरा मारूंगा भाई। अब ये कुछ नहीं कर रहा है भाई, ये क्या मशरूम है शायद भाई। ये तो भाई सही है भाई, ये तो जम्बी मार भी नहीं रहे। चलो तो मैं ना एक बार वहाँ पर चलता हूँ, ऐसे वाल लगाते हुए वाल करूँ भाई, ये वाला डॉट लगाते हुए, डॉट भी नहीं है भाई ये, पता नहीं कौन सा ब्लॉक। रुको मैं एक बार देख लेता हूँ, नेदर रहे दोस्तों, ये लगाते हुए मैं चलता हूँ एक बार, मुझे वो उधर जाना है एक बार भाई। अगर गलती से भी नीचे गिर गया ना भाई मेरा तो भाई लाश भी नहीं मिलेगा भाई इसमें से, सारे हेलमेट वे सारे चला जाएगा भाई मेरा डायमंड का भाई। ये स्नो गिर रहा है भाई, पूरी तरह से फोग है भाई चारों साइड भाई, खतरनाक है जो भी कहो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन भाई नीचे देख रहे हो ना, जहाँ भी भाई आपकी नज़र जा रहा है ना वहाँ तक भाई लावा ही लावा है भाई। चलो तो फाइनली मैं यहाँ पर तो पहुँच चुका हूँ, वहाँ पर ऊपर है, मुझे यहाँ से ना ऊपर जाना पड़ेगा फिलहाल। मैं यहीं से कुछ सीढ़ी जैसे बना कर चलता हूँ ऊपर दोस्तों। ये एक हो गया, अब इसको हटाओ भाई, ये कुछ तो नया ब्लॉक है भाई, ब्लैक स्टोन भाई, पता नहीं भाई ये कौन सा काम आता है। ओ भाई यहाँ पर डायमंड भी मिलता है क्या? डायमंड कह रहा हूँ भाई, गोल्ड भी मिलता है क्या? चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे गोल्ड इनगट भाई, इसका क्या करूँगा भाई इसको भाई, तो इसको फिर हम अबे 24 हो गया भाई, अभी तो मुझे 8 मिला था भाई। इसको ना हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको दिखाता हूँ एक बार। चलो मैं बाद में दिखा दूँगा दोस्तों एक बार जाके, अब मुझे ये सब माइंड कर लेता हूँ जो भी मिल रहा है। मैं से सीढ़ी बनाते हुए दोस्तों ऊपर चलता हूँ। ये देखो दोस्तों अपने आप रिपेयर होगा ना, ये देखो अपने आप रिपेयर हो गया भाई ये। एक बार मैं इसको भी ऊपर रखता हूँ, जो भी मुझे मिलता रहेगा ना एचपी उससे मेरा ये अपने आप रिपेयर होता जाएगा भाई। इतने ऊपर आ गया भाई, अब कितने ऊपर जाना पड़ेगा भाई? मैं सो एक बार यहीं से ही देखता हूँ ग्लोस्टोन कहाँ पर है भाई। वो वाला जम्बी तो शायद मेरे पास में, वो जो ऊपर कूद रहा था ना वो वाला, पास में उसका आवाज़ आ रहा है ऐसा कूदने जैसा। आओ भाई यहीं पर है भाई ग्लोस्टोन। भाई अभी नीचे गिर जाता भाई कसम से भाई, इसके नीचे ना मैं कुछ ऐसे लगा देता हूँ ताकि ये जो भी स्टोन है ना वो गिरे ना नीचे। चलो तो ये पूरी तरह से हो गया भाई, एक बार मैं ये माइन करता हूँ ग्लो स्टोन डस्ट भाई। मैं एक बार ना ये सिल्क टच वाले में माइन करता हूँ, सिल्क टच में क्या होता है जैसे माइन करो वैसे ही मिलेगा। चलो ये मिल गया शायद ग्लो स्टोन, इसको इसमें क्या होता है ऐसे ही ग्लो करता है क्या? मतलब अगर मैं एक बार लगा के देखता हूँ शायद, जैसे यह यहाँ पर रुकूँ मैं एक बार, रुको
ये चलो। ओ भाई ये देख रहे हो ना दोस्तों, ये यहाँ पर देखो कितना अंधेरा है ना। मैं एक बार यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे, ये देखो अब। ओ भाई ये टॉर्च की तरह पूरी काम कर रहा है भाई। इसको तो मुझे भाई लेके जाना है भाई, घर पे लगाना है मुझे, अपने अपने वाले ये पे लगाना है मुझे। फिलहाल मैं जितना हो सकता है उतना माइन कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। चलो दोस्तों फाइनली सारे के सारे मैंने तोड़ लिया है भाई, 36 मैंने तोड़ लिया भाई यहाँ से। बहुत बढ़िया भाई। एक बार दोस्तों मैं चलता हूँ नीचे भाई, जहाँ से आया था भाई ऐसे ही चलूँगा भाई। एक बार नीचे एक बार गलती से भी भाई, कहाँ से आया था मैं? अच्छा इधर से आया था भाई, मैं रास्ता भूल गया भाई। चलो तो मैं फिलहाल अब नीचे चलता हूँ। चलो भाई अब कुछ और नया चीज़ देखने को मिला तो भाई, ये तो जम भी भरे पड़े हैं भाई। चलो तो अबे भाई ये डरा देगा भाई जितना आवाज़ कर। एक बार ना मैं उधर से नीचे चलता हूँ भाई, गोल्ड भाई। अगर मैं उधर साइड चलता हूँ शायद कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए उधर साइड भी। चलो तो मैं नेदर एक यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों चलते हैं उधर साइड। भाई ये कुछ अलग सा ही मिला भाई, इसको एक बार तोड़ के देखते हैं। कुछ भाई अलग अलग मिलता जाता है भाई। ये क्या है भाई? एंशियंट डेब्रिज भाई, ये क्या काम आता है भाई एंशियंट डेब्रिज? यहाँ से भाई नीचे चलना है भाई, इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल। ये सब माइन कर लेता हूँ जो भी ये मिल रहा है ना, वाइट वाइट नेदर कॉर्ड या तो कुछ तो ऐसे ही नाम था शायद इसका। सारे के सारे भाई माइन कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत एचपी जो मिल रहा है ना, अपना टूल भी रिपेयर होता रहेगा इसमें। चलो तो फाइनली ये तो हो गया ख़त्म, थोड़ा आगे चल के देखते हैं शायद और कुछ मिल जाए। चलिए यहाँ पर भी है थोड़ी बहुत, इसको ही माइन करता हूँ मैं। चलो दोस्तों बहुत बढ़िया। ओ अबे 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 भाई लाभा आ गया भाई, खाना खा लो भाई। चलो भाई बच गया भाई, भाई सब। अबे मैं माइन करते करते ऊपर से लाभा कैसे आ गया भाई ये? तो दोस्तों मैं फाइनली वहाँ से ढूंढ ढांड के भाई आ चुका हूँ। बहुत दूर मैंने गया था लेकिन कुछ मिला नहीं। वैसे मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों, एक बार मैं चलता हूँ बाहर, एक बार मैं अपनी वर्ल्ड में चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमने वहाँ से लाया था। चलो फाइनल भाई इनको यहाँ से मैं उठा कर ले चलता हूँ भाई। चलो भाई तुम नीचे चलो भाई, आ जाओ। ये वैसे देखने में भाई बहुत ऑसम लग रहा है भाई जो भी को। बाकी दोस्तों मैं इसे बंद कर देता हूँ फिलहाल। चलो भाई तू यहीं पर बैठा रहे भाई। चलो तो मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं ना दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लाया था। दोस्तों ये मुझे मिला था गोल्ड नेकर में, मैंने इसको इनगट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते 43 मिल गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये ग्लोस्टोन जैसे आपको पता है, बाकी नेदर रेक, ये नेदर कोड भाई पता नहीं भाई क्या काम आता है भाई। आपको अगर पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये तो मैं लेके गया था, फ्रेंड छोड़ो। ये मुझे एंशियंट डिब्रिज पता नहीं क्या काम आता है भाई। ये तो बाकी और कुछ नहीं, बस वही दो तीन चीज़ मिला था, जैसे ग्लोस्टोन, ये एंशियंट डिब्रिज और ये नेदर रेक, नेदर कोड भाई मैं नेदर रेक कह रहा हूँ, नेदर कोड और ये ग्लोस्टोन डस्ट। मतलब ये इसको तोड़ने पर ना ये ग्लोस्टोन डस्ट मिला था बस। बस दोस्तों इतना ही मिला था, बाकी और कुछ तो मिला नहीं था। बाकी दोस्तों ये आप अगर सोच रहे होगा ना, ये जो आयरन का कहाँ से आ गया भाई, मैं डायमंड का पहन के गया था भाई, मैं गलती से लाभा में गिर गया यार। फिर मेरा सब कुछ भाई मैं वहाँ पर डेट हो गया और सब कुछ मेरा भाई चला गया, जैसे हेलमेट वेस्ट और ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब मैंने नया बनाया हुआ है। बाकी दोस्तों मैं एक बार ऊपर चलता हूँ। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।